जगन्नाथ तो पिला माने आज हम कौन कर अष्टम श्रेणी विज्ञान जो तुम अच्छे एकादश अध्याय से कौन पिला माने बल और चापू फोर्स एंड प्रेसर एमती का गोटे कथा देख नर्माली आमको जो कि प्रेसर पकेवा या बल देवा तो आमको एका भाया लगे है ना जो बल और प्रेसर दुटा एका जिन लगे बाकी प्राक्टिकाली देखा जाए तो ये बल अलग जिन प्रेसर अलग जिन बुझे फोर्स अलग जिन प्रेसर अलग जिन बल अलग जिन चाप अलग जिन बुझे तो बल आउ चाप ये दुईटा जिन विषय आज कौन करसेप्ट क्लीयर करने चेस्टा करवा विषय किसी कथा देखा जो कौन अच्छी हाँ तो तुम कहीदे पे नर्माली मैथ क्लास निए बाकी किसी पिला मत कही सजेस्ट करते कि सर आम ये विषय बुझी पारने बल आउ चाप विषय बुझी पारने तो सही बुझातु से जस्ट से मैं जो मान डाउट अच्छे से मैं मुझे बनाऊँ बुझेगा तो देख तो प्रथम कथा आम कौन जान ला मैंने बल और चाप बल को इंग्लीश फोर्स कहते चाप को कौन कहते प्रेसर कहते ना या मुंडे तो प्रेसर बढ़ी परीक्षार चाप परीक्षार प्रेसर बुझेगा प्रेसर कुकर जो चाप देखिए रांधु सी से कथा फोर्स कौन पिला मैंने जमीन कि आम कौन कहते बल है तो कार्य कर क्षमता को कौन कहते पिला मैंने बल बोली कहते जो मुझे ओजन उठे पार्टी से मो बल के बुझेगा मुझे बड़ गाड़ी को धक्का दे कि जगह परिवर्तन करा मो बल जान गाड़ी गोटे शीत दिन कौन हुए कि गाड़ी इंजिन गोटे स्लो हो जाए बुझेगा से कौन करने पड़े ताको धक्का देवाई पड़े तापर स्टार्ट करा जाए बुझेगा ना नहीं तो सही कौन हम पिला मैंने धक्का देखिए बल दिगला तो ये जो दुईटा कथा मुझे कहली गोटे हूँ धक्का देवा बुझेगा आउ गोटे कथा कौन टाणीबा ये दुईटा हूँ दुई प्रकार बल तो पिला मैंने बल विषय फास्ट आगे दिए आम बुझाप चेस्टा करवा बुझेगा बल आवश्यकता कौन देख फास्ट देख धरा जाओ मन कर कौन गोटे बल टा क्रिकेट खेला जो बल फिंगा आज जो कौन कला मार बैट्समैन मारा मार्वापर बुझे जो बल टा जाऊँ धीरे 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 करके जाऊँ बुझे ना नहीं तो जो धरे धरले कौन से जो जाऊला धरी पकड़ा से बल टा रही जगह बुझेगा बल टा तो जो फिंग लापटे फिंगूला बल टा ये डिरेक्शन जाऊला कि बैट्समैन एपटे अच्छे से एपटे मारा बुझेगा बल टा कौन एपटे पलिगला बुझिपार ना बल गोटे दिगरे गला बैट्समैन आउट दिगरे पठेला बुझेगा धरी पकड़ा धरला धर जो एपटे धरी पकड़ा लोकटा जो अच्छे फिल्डिंग जो करुव लोकटा एपटे धरी पकड़ा सी कौन कर विकेट पाखे जी थोड़ा ताको फिंगे सेपटे बुझिपार ये कौन है लोक जो फास्ट आगे फिंगला गोटे डिरेक्शन लगे किसी बल दे बैट्समैन किसी बल दे बुझेगा मारा तार दिग परिवर्तन होगी गला जो फिल्डिंग फिल्डर जी थी ताको गला फिल्डिंग जो करुला सी कौन कला पिला मैंने जो बोलिंग करा मारा विकेट पाक देखिक बुझिपार ये कौन है आम जान लें जो बल प्रयोग कर गोटे जिनस को कौन कर गोटे स्थिर वस्तु को है गतिशील करोटे गतिशील वस्तु को स्थिर कर कि गोटे दिगरे कि जाऊवा वस्तु को तार दिगर पर बुझिपार नहीं तो ये आम जानवा कौन पे मैंने बल आवश्यकता कौन गति बढ़ेगा बुझेगा धरा जाओ गोटे बल टाउका चली बुझिपाल तो मुझे कौन करी से दिगरे कि फुटबल देखे ना नहीं बल टा चली तो दिगरे कि आउ थे मारे बुझेगा एमती बल टा चली पचरिक गोटे धक्का देव कौन कर गति बढ़ी जी बुझेगा तो गति बढ़ेबा कमेबा तो अपोजिट दिगर को जाकर धरी ना कमिजी है पूरा धरव दीर्घ धरिक छाड़देव टच कल छाड़देव से कौन उष्ण हो तो गति कमेबा कि दिग परिवर्तन करवा दिग परिवर्तन कथा जो कहली बैट्समैन एपटे मारा सेपटे बोलर मारा बुझेगा बल टा कौन हो दिग परिवर्तन हो सही कथा कहले पे तो फुल मिले कथा हूँ आवश्यकता बल जो आवश्यकता कौन अच्छे पे गोटे वस्तु को कौन करें तार गति बढ़े पार गति कमे पार कि तार दिग पर करवा यह सब कार्यपाई कौन पे बल आवश्यकता अच्छे फोर्स आवश्यकता अच्छे बुझेगा तो ये कौन जाना पे बल क्या कहवा बुझेगा जो आम जानी गोटे जिनस कौन सी कार्य कर क्षमता को आम बल कहते कि कौन कर पे जेहतु यहाँ अष्टम श्रेणी पढ़ाऊँ तो अष्टम श्रेणी हिसाब से किसी देखे देख जहाँ स्थिर वस्तु को गतिशील कराए तुमको जो देखी गोटे बल टा पड़े तुम जैसे धक्का दल सी तार गति होगा बुझेगा धर ये गोटे बल टा अच्छे तुम्हें कौन कल पे ये धक्का दल बुझिपाल ना नहीं सी कौन कला गति कर आरंभ करला पुणी कौन कल एपटर तुम धक्का दल बुझेगा से कौन हम जो गति रहा गति कौन पे जिते स्पीड रे जाऊला कमी आघात पाला कमी बुझेगा गोटे नर्माल कथ हम गोटे गाड़ी चलिए तुम जाऊ कि सैकेल चलिए जाऊ
साइकिल चलिक जेतले जाउ जो गुटे कोन ला आगर कोन ला पिला माने गुटे बांकोड आसी गला कोन करे साइकिल धीरे परियो बुझला गुटे एक्सीडेंट हे गला बुझबा छ नै गुटे गाडी जाउतला गुटे बड गाडी आसी धक्का हेला कोन हो से तार स्पीड जो स्पीड जाउतला स्पीड रहबो कि रहबोनी कमी जीवो नले पुरा बंदी जीवो बुझला तो सेटा हो कथा तो जे कोन सी वस्तु रहकी कोन में ताहा स्थिर वस्तु हेला गुटे स्थिर वस्तु अछि स्थिर वस्तु के कोन हो पिला माने गतिशील करि पारे किंबा गतिशील वस्तु को स्थिर कर पारे जमीता कि बाइक टा जाऊला धक्का हेला गोटे ट्रक सहित स्थिर होगा पड़गला बुझेगा तो गतिशील वस्तु को स्थिर कर पारे यह गतिर बेग वृद्धि किंबा ह्रास कर पारे गतिर बेग जो अच्छी जो स्पीड से जाऊँच बढ़े पारे कि कमे पारे बुझेगा किंबा यार गतिर दिग बदलवे साहय कै बुझेगा किंबा कौन पे जो दिग्वे जाऊ दिग पर कौन कहते पे बल बुझिपाल नॉर्मल कथा होचे जानिबो ए कथाटा जे बल काहाकु कोंदी हैला जोंडा कोनो पिला माने गुटे आगे न बहुत गुटे स्थिर वस्तु के जे कोनोसी गति नाही जादेरे बुझला कोनोसी मोशन नाही गति नाही तो जार गति नाही माने कोनो से स्थिर अछि बुझला तो जहां स्थिर वस्तु को गतिशील करि पारे गतिशील वस्तु को स्थिर करि पारे दुइटा कथा स्थिर वस्तु को गतिशील किंबा गतिशील वस्तु को स्थिर करि पारे एहार गतिर बेग वृद्धि करि पारे किंबा ह्रास करि पारे हेला गति बढ़े पारे कि कमे पारे यार गति दिग बदल पारे कौन कहते पे बल कहते तो ये कथा तुम बुझीपाल तो आम जाना पे जो बहुत गुडा बल आम देखी दे ना बुझेगा धर जो कबाट टाइम बंद कर देख एम जो कौन था पे जो बंद करने बंद करी तो कौन कर तल को टाणी खुली उपर को गले बंद जाए लकटा जो बुझेगा जो गोटे जगह देखी थो तुम मैंने कौन गोटे जो जो सपिंग मल में बसीगल सपिंग मल कौन लिखा था पिला माने पुल पुश लिखा था बुझेगा गोटे कबाटा था गोटे कबाटा था आई तो सी कौन लिखाई थी पुल लिखाई थी ना पुश लिखाई थी गोटे पटे पुल लिखा है अन्य पटे पुश लिखाई थी जो पिला माने पुल किंबा पुश ये दुटा कौन ठेला किंबा टणा है तो ठेलीबा पुश करबा टाणीबा पुल करबा ये जो दुटा कथा तुमने ये बुझा तुझे ठेला गाँव को कहती टाणा गाँव को कहती है ना पुल माने टाणी की भितर को बस ठेला माने होचे धक्का दे की भितर को जीवा तो सही कथा आम बुझा पे माने ठेला कि टणा एक प्रकार बल तो कौ प्रकार बल है फोर्स ए पुश और पुल से कौ प्रकार बल देख पे माने तुमको गोटे कथा हूँ सर्टकट बुझापा जो फर्स्ट पॉइंट मुझे लिखी मो हिसाब से लिखी बुझेगा तो तुम कौन कर फास्ट आगे हेडिंग आकार लिख ना बुझेगा मुझे कह जाए लिखी कि तुमको सुविधा हम बोली जानवापी बट तुमको परीक्षा पड़े के बड़े कि ठेला और टणा बल भितर कि पार्थक्य लिख फर्स्ट आगे तुम बहर जो यही कथा लिखो ठेला बल कह जाए टणा बल कह जाए है कथा लिख तो आसवा फर्स्ट कथा हूँ पे मैंने कौन टणा है तुम्हें ढड़ा हो तुमको टाणी आनबी मानते कौन मो आड़ को टाणी बुझिपाल तुमको धोखा दे देदेली मैंने कौन ठेली देली कहते ना पोखरी पाखे ढड़ा है छोट बेमती करते जमी गाधे है ना तो कौन है पोखर पाखे तुम ढड़ा है तुमको आज पचप किए धक्का देदेल ठेली देला पोखर में पड़ जाऊ तुम मैंने पुणी कांदा कटा होता के कौन है से जो ठेली दूला धक्का दबा जो निज पाखु दूरे देवा से कौन पे मैंने ठेला बड़ टाणीबा बुझेगा से कौन जमीता कि गोटे कथा देख पाने जो बुड़ी जाऊँच तुम्हें बचेवा जीव है ना पा भितर पशिगल से प्रथम मूर्खामी के पा भितर को जाकि क्या बचे पार्वनी कहीं कहीं से तुमको टाणी पुणी बुड़े देवा चेषा कर कहीं तुम उपरे प्रेसर पक उपरकूप चेस्ट कर तुमको टाणी बुझेगा से टणा बल तेणु एत कथा जो कह तुमको कहीदे जो यदि पाने में बुड़ जाऊे पाखक बचेवा जीवनी कमी जीव बचेब गोटे दौड़ी नब बड़े कि गोटे लंबा बाड़ी नब ताक देख से जीवन बचेवा जाए से दौड़ी हो बाड़ी हो जहाँ को धरिकी रखिए तुम टाणी बचे पार बुझेगा तो कहते हैं पानी भितर को निजे उल्ली जाए बचे चेस्टा करोगी देखनी चलो ये आम कौन है पे कथा तो सर कि जानवा कथ कौन है ठेला और टणा ये दुटा विषय तुम बुझीपाल निज आड़ जो टणा जाऊँच जो निज पाखर दूरे दिखाई ठेला पाऊँच बुझेगा तो ये कौन कर पे टणा बल आ ठेला बल भितर पार्थक्य देखा पार्थक्य प्रथम कथा कही जो पॉइंटा मुझे तुमको बुझेगा लिखी है तो यू प्रथम लिख ना तुम्हें कौन कर पार यू लिख देखो फास्ट हूँ यहाँ मुझे लिखी ये बुझीपाल तुम ये जिन बुझीपार से लिखी देखो जो बल द्वारा वस्तु को निज आड़ को नहीं आसे बुझेगा जो बल द्वारा आम कौन कर वस्तु को निज आड़ को नहीं आसे
ସେଇଟା ହେଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ଟଣାବଳ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣିବା, ହେଲା, ନିଜ ଆଡକୁ ନେଇ ଆସିବା। କବାଟଟା ନିଜ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିବା ସେଟା କଣ ଟଣା ପୁଲ, ବୁଝିଲା? ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦବା ମାନେ ଧକ୍କା ଦେଇଦବା, ସେଇଟା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ଯିବ, ସେଇଟା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ପୁସ। ସେଭଳିଆ କଥା, ଯେଉଁ ବଳ ଦ୍ଵାରା ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ନେଇ ଆସି ହେବ ତାକୁ ଟଣା ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବଳ ଦ୍ଵାରା ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ହବ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଠେଲା ବଳ କହନ୍ତି। ଦୁଇଟା କଥା ବୁଝିପାରିଲ, ଟଣା ଆଉ ଠେଲା। ଦେଖ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ବହି ହିସାବରେ କି କଣ ଦେଇଛି, ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୁଳିବା। ଗଛ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏମିତିକା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଏଇଠି କଣ ଅଛି ତୁମର ଫୁଲ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତୁମେ କଣ କରିବ, ଫୁଲଟାକୁ ଧରିଲ, ଟାଣିବ, ତୋଳିବା ପାଇଁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପଡେ ନା, ବୁଝିଲା ନା? ଠେଲି ଦେଇକି ତାକୁ ତୋଳି ପାରିବ କି? ଠେଲି ଦେଇକି ତୋଳା ଯାଏନି, କଣ ହୁଏ, ଟାଣିକି ହଉଛି ଛିଣ୍ଡା ଯାଏ, ଏପଟେ ଟାଣିକି ଛିଣ୍ଡା ଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ହଉଛି ଏପଟେ, ବୁଝିଲା? ତ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେଇଠି ହଉଛି ଟଣା ବଳ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା, ବଳଦ ଗାଡି ଟାଣିବା, ବଳଦ ଗାଡି ଧରିକି ଟାଣା ହୁଏ, ବୁଝିଲା? ଟାଣା ହବ, ଟାଣିବା, ବଳଦ କବାଟର ପିଲାମାନେ କଣ କିଳିନି ଖୋଲିବା, ବନ୍ଦ କବାଟ ଯୋଉଟା କହିଲି ଖୋଲିବା, ହେଲା, ଟାଣିକି ଖୋଲିବା। ରଥ ଆକାରରେ ରଥ ଟାଣିବା, ବୁଝିଲା? ରଥ ଯେଉଁ ଟାଣା ହୁଏ ନା, ରଥ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଯାଉ, ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଯାଉ, ଯାଉ ନାହିଁ ପଢିବି ତୁମର, ହେଲା। ତ କଣ ହୁଏ, ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଉଠେଇବା କୂଅରୁ ଯେଉଁ, ହେଲା, ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲାଗିଥାଏ, ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ମାନେ କୂଅ ଏମିତିକା ଥାଏ, କୂଅଟେ, ହେଲା, ତ ତା ଯୋଉ କଣ ପିଲାମାନେ ଚେଲବେଳା ଲାଗିଥାଏ, ତା ଚକିରି ଥାଏ, ଏଇଠି କଣ କରନ୍ତି, ରସିଟାକୁ ସେମାନେ ଟାଣନ୍ତି, ଟାଣିଲେ କଣ ହବ, ପାଣିଟା ହଉଛି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ବୁଝିଲା? ସେଇ କଥା କହିଛି, କୂଅରୁ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଉଠେଇବା, ଉଠେଇବାଟା ହଉଛି କଣ, ଟାଣିଲେ ହବ, ସେଟା ଟଣାଇଗଲା। ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହା ହଉଛି ଟଣାବଳ। ତାହେଲେ କଣ ପିଲାମାନେ, ତ ଦେଖ ନର୍ମାଲି ତୁମ ବହିରେ କି କଣ କହିଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବେସ୍ରେ କି ତାର ସଂଜ୍ଞାଟା ଦେଇଛି, ଯେ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି କଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଟଣାବଳ କହନ୍ତି, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଯେଉଁ ବଳ ହଉଛି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଠେଲା ବଳ କହନ୍ତି। କିଛି ଏମିତିକା ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଦେଇଛି, ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୁଳିବା, ହେଲା, ବଳଦ ଗାଡି ଟାଣିବା, କବାଟର କି କିଣିନି ଖୋଲିବା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଟାଣିବା, ବାଲ୍ଟିରେ କି ପାଣି ଉଠେଇବା, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଟଣା ବଳ ବା ପୁଲ। ସେଇଭଳିଆ କଥା ପିଲାମାନେ, ଝାଡୁରେ ଧୂଳି, ହେଲା, ଯେଉଁ ଝାଡୁରେ କି ଧୂଳି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛେ, ଝାଡୁ ମାରିଦେ, କେବେ ମାରିଛା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ମାରିଛେ ବହୁତ, ଦେଖ, ହେଲା, ଚଟାଣରେ କଣ ଝାଡୁ ଧରିଲ, ଝାଟି ଚାଲିଲ, ହେଲା, ଝାଟିବା କହନ୍ତି ଆମର, ତୁମର କଣ କହନ୍ତି, ଝାଡୁ ମାରିବା କହୁଥିବେ, ହେଲା, ଆମେ ଗାଁରୁ, ତ ଆମର କଣ ଝାଟିବା ବୋଲି କହନ୍ତି, ବା ଝଟିବା, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଧୂଳିଟାକୁ ଠେଲି ଦେଲେ, ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। ଦୁଇ, ଅଳିଆ ଓଳାଇବା ବେଳେ, ହେଲା, ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ବଡ ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇଲା ବେଳେ, ଗୋଟେ ବଡ ପଥରଟା ଥିବ, କଣ କହିବ, ତାକୁ ଠେଲିକି ଧକ୍କା ଦେଇକି ହଉଛି ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବ, ସେଇଭଳିଆ କଥା କଲ। ଫୁଟବଲକୁ କିକ୍ କଲାବେଳେ, ଫୁଟବଲଟା ଅଛି, ତାକୁ କଲ ମାରିବ, ଲାତ ମାରିବ, କିକ୍ କଲାବେଳେ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ହବ, କିକ୍ କଲାବେଳେ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ବୋଲିଂ କଲାବେଳେ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲା, ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ଯିବ ସେଇଟା, ତ ସେତିକିବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ଠେଲା ବଳ କହନ୍ତି, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କଣ କହିଲେ, ଇଏ ଝାଡୁରେ ଧୋଳି ଅଳିଆ ଓଳେଇଲା ବେଳେ, ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ବଡ ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ବେଳେ, ଫୁଟବଲକୁ କିକ୍ ମାରିଲା ବେଳେ ହଉ, କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗେଇବା ବେଳେ ବା ବୋଲିଂ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଠେଲା ବଳ କହନ୍ତି। ଦେଖ, ଇଏ ଯେଉଁ ଠେଲା ବଳ ଆଉ ଟଣା ବଳ, ଏହାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କଣ ହୁଏ ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ, ସିମ୍ପଲ କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟା ଅଛି, ହେଲା, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲିଭଉଛୁ, ଦେଖ ଏପଟେ ଲିଭଉଛି, ହେଲା, ନର୍ମାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ତାକୁ ଟାଣିବି, ବୁଝିଲା, ତ ଟାଣିବି ମାନେ ନିଜ ଆଡକୁ ନେଇ ଆସିବି, ଏଠି କଣ ହେଲା, ସ୍ଥିର ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଠି ଟାଣିଲ ମାନେ କଣ ହେଲା, ଗତିଶୀଳ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଟାଣିକି ଆମେ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିଲେ ଗତିଶୀଳ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲି ଏପଟେ ବଢିଲା, ସେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଗତିଶୀଳ ହେଲା। ତ ତା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଟଣା ହଉ କିମ୍ବା ଠେଲା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ବଳ, ସେମାନେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ କି କାମରେ ଆସନ୍ତି, ବୁଝିଲା? ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁକୁ କଣ ହୁଏ, ଦେଖ, ଠେଲା ବା ଟଣା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଯାଇପାରେ, ବୁଝିଲା? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛ, ଆଚ୍ଛା, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ପଢିବା ପିଲାମାନେ, ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବଳଟା, ତା ବିଷୟରେ କି ପଢିବା, ତ ସେଇଟା କଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖି ପକଉଛୁ, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲକି ବୁଝେଇବି। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏଇପାଇଁ କରାହଉଛି ତମମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବି ଭିଡିଓରେ କି, ତ 10 ମିନିଟ୍ ଭିଡିଓ ତମର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା?
जेंडिया कि तुम मन को मु कोन कहले पिला मान गोटे बॉलटा आछी हैला क्रिकेट गोटे धा जाउ जनो छु बाडैला जो बैट्समैन कोन कहले गोटे बॉल को स्ट्राइक करले तो सेतेले कोन बो बॉलटा आछी जाउची किंतु मु कोन कहले पिला माने जे पर्यंत सेतेरे किछि बल प्रयोग न होउची हैला से पर्यंत कोन बो से बॉलटा आछी गतिशील अवस्था रे रहइबो किंतु आमे कोन देखु छ गोटे बॉलटा जाउची बुझला गोटे बॉलटा से जाउ जाउची इठु देखु छ गोटे बॉलटा जाउची मारि दियाला किछि बाट जाईकी बॉलटा रही जाउची नले प्रति बॉल ले तो 4 6 होइनाता हेला गोटे मारिदेला टच कर कौन होता से तो चली था से कहीं रही जाऊ चार देखे बेले बेले कौन हुए बाउंड्री लाइन पाखे जाए बल्टा रही जाए चार ही पारे तो दौड़ी के रन नाई पड़े तो से जो रही जाए कहीं रही जाए से कहीं धरती ना तथापि रही जाए कहीं से अन्य किसी बल प्रयोग हो बल ना संभव नुह जदि किसी बल न था से गति करता कि पे मैंने किसी बल रही जहाँपाई कौन हो तार जगह स्थिर हो जा बुझेगा तार हूँ गतिर कि परिवर्तन आसूची जो स्पीड में जाऊला से स्पीड से केपारना कहीं कौन पे बहुत गुड़ा बल था नर्माल क्या हो बल्टा कौन ग्राउंड रे कि घूरी घूरी घसी घसी जाऊँच बुझेगा ग्राउंड सहित गोटे टच है जाऊँच मन कर कौन मो हाथ मुझे एमती नहींगली है कैसे इजिली जाऊँच कि कौन मुझे ये जो टच करदेली या देख एवं जाते सहज जाऊँच कि जापारना बुझेगा मन कर मो फिंगर टा कौन पे एमती जाऊँगी ऊपर को करूँ कि कौन ये लगेदेली सेते सहज जापारे कि जापारे बहुत कष्ट करवाई पड़ी मत कहीं गोटे घर्षण बढ़ाऊँच है फ्रिक्शन जो मटी सहित जो बल्टा कौन हो घसी घसी जाने कौन फ्रिक्शन बल से आसा बल बुझेगा घर्षण बल सी कौन कर पिला बल्टा को स्पीड रे जावाई दौनी कौन कर स्पीडा कमे कमे चलती बुझेगा से कौन हुए बल्टा निज स्पीड सब मेन्टेन कर पारे बढ़ी जाए कमे जाए के पवन लेकिन देखी थोला भली खेला बेल देखो मारिदेल है ना से जाऊ गोटे पट हो पवन जेपट हो तो सेपटे कौन हो पाने जिते जोर में भी मारे भी है कौन कौन जाऊपटे पवन आस तुम अपोजिट डिरेक्शन को मारे देखो बहुत कष्ट जाए कि सेपट जीत कौन खाली टच कर पड़े जाए कहीं पवन हूँ कौन हुए पे रेस्ट्रिक्ट कै है पवन जो बलटा तो सी एयर रि फ्रिक्शन बल हो पाए बुझेगा तो एमती क्या बहुत गुड़ा बल अच्छे जो गुड़ा हूँ कौन हुए ये जो गति को एफेक्ट करे तो फुल मिले कथा हूँ बल हूँ गोटे जिन जोटा कि हूँ गतिर परिवर्तन कराए गतिर हूँ कौन पे बेगर परिवर्तन करे दिगर परिवर्तन करे कि गोटे स्थिर वस्तु को गतिशील करे कि गोटे गतिशील वस्तु को स्थिर करे तो तुमने बुझीपाल जो गोटे एक्जामपल आमको कौन हो बलर आवश्यकता पड़ू बुझेगा एवं मुझे कौन कर पे तुमको पढ़ेबी जे बलटा केमी सृष्टि होने कर फर एक्जामपल एम मन कर मुझे छिड़ाई टाणी आनबी क्या है तो से जो टाणी आनबी क्या कथा आसीगला अटोमेटिक मो हाथ टाक एम करदे बुझेगा तो से मोर बल बेस खर्च हो तथा जो टिके हूँ क्या जो जो तुम हूँ एयर अच्छी हूँ टिके हाल्का हूँ बल मोर खर्च हो बुझेगा कि गोटे बड़ा गोटे किसी था पथर था तुम धरती टाणी था अधिक बल खर्च होता बुझीपा ना गोटे बड़ पथर जिन धक्का दे था अधिक बल खर्च होता मुझे खाली हाथ एमती करी से तो मोर बल खर्च हम कि हेनी बुझेगा तो सीट कौन हो जो हाथ एमती करूँ कह हाथ टाकूँ कौन कर पे ठेलुँ मो हाथ टाक तो सही कौन देख मैं देख सो ये तो गोटे आँच मुझे कनसर्न करके धरिक रखी तौ को जवाब दूनी से गोटे बल होगा टाइम कितु कथा हूँ जो जिनसपाई कौन हम गोटे पे अंतक्रिया हवा दरकार मानते दुईटा जिनस रहा दरकार जहाँ भितर कि किसी कनेक्शन रहा दरकार होती बल आस बुझेगा देख वस्तु वस्तु मध्य आंतक्रिया जो बल सृष्टि होता है फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन एमंग ऑब्जेक्ट्स बुझेगा जो फोर्सेस फोर्स अच्छी से कौन हुए क्या हुए ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है जो इंटरेक्शन हुए गोटे ऑब्जेक्ट रो अन्य ऑब्जेक्ट सहित गोटे वस्तु रो अन्य वस्तु सहित जो कनेक्शन ता जो कौन हुए पिला माने बल सृष्टि हुए गोटे पिलाटा छी ताको टानिबी बुझेला जो मुझे पिला को टाणुची से बल देखा जाऊँच तो कौन है तेरे दुई जन रहा दरकार से बुझीपा ना मुझे ह्वैट बोर्ड टाक धरिकी टाणी ह्वैट बोर्ड भी रहा दरकार मुझ भी रहा दरकार बुझीपार दुईटा कथ तो तुमने बुझीपाले हेडिंग मानने कौन वस्तु वस्तु मध्य आंतक्रिया जो बल सृष्टि होता है तेना कौन हुए पे दुईटा वस्तु रहा दरकार बलपाई है देख दुई कि एकाधिक तो गोटे कथ ये कौन दे पे किसी एक्जामपल दे बही कि बहुत गुड़ा लंबा चुड़ा एक्जामपल दे भितर को आम जीवानी आम कौन करवा सर्ट्रे बुझापी चेस्टा करवा कार को धक्का देवा बुझेगा गोटे कारटा अच्छी है धर जाओ तुम्हें कार गोटे बस जाऊ अधा रास्ता कौन ना कार्टा बंद होगा कौन कर पाने पड़ी स्टार्ट करना कौन कर तुम्हें ओली जाकि धक्का दौ बुझे से कहला तुम ठेल
कौ प्रकार बल दे पे धक्का देखे टीका आगे पड़ते ठेला उठाला धक्का देने ठेलिले बुझेगा तो कौन बल प्रयोग जो कले ठेला बल प्रयोग कले तो पे परिस्थिति दुईटा कथा अच्छे दुईटा परिस्थिति अच्छे सिचुएसन से कौन अच्छे दुईज दुईज को ठेलुंट बुझेगा मुझे ठिया बुझीपाल सेपट रू आउ जन ठेल मतलब मुझे ठेलुचे सी मत ठेल बुझीपा से कौन दुईज दुईज को ठेलुंट आउ गोटे परिस्थित कौन अच्छे मुझे टाणुचे सी मत टाण बुझेगा मुझे टाणी से मत सेपट रू टाण दुईज दुईज को टाणुंट ये जो दुईटा परिस्थिति पे दुईज दुईज को ठेलुंट दुईज दुईज को टाणुंट तो ये जो कथा देखिले तार सारांश किसी देखा से कौन हो देख अंत तो दुईट वस्तु मध्य पारस्परिक क्रिया आंतक्रिया जो बल सृष्टि होता है यहाँ कौन पे जो हेडिंगटा पढ़ुते तार जो मेन कथा अच्छे जो जिस्ट है कौन पे अंत दुईटा वस्तु अति कम्रे दुईटा वस्तु पे पारस्परिक क्रिया है टाणी हू कि ठेल दुईटा हूँ क्रिया होता जो दुई प्रकार बल देखा मिलूला टणा बल ठेला बल बुझेगा तो कौन होता पे जो दुईज दुईज को ठेलुंट दुईज दुईज को टाणुंट तो सी कौन ठेला टा दुईटा जाक बल रहा पे आम सारांश यही कथा बुझी पारे अंत दुईट वस्तु मध्य पारस्परिक क्रिया आंतक्रिया जो बल सृष्टि होता है बुझेगा बल देने कहीं कमी है दुईटा वस्तु अंत दुईटा वस्तु मध्य पारस्परिक क्रिया हो पाए कि आंतक्रिया हो पाए है जुगुण जुगुण पे बल सृष्टि हुए एत कथा तुमने क्लीयर ही पाल तो बहुत कि लंबा चोड़ा एक्जामपल देखे तो सब गोटे देखा दरकार तार सारांशा कहीदेली जहाँ फल तुम परीक्षा देखो भलिक लिखिपार देख आ गए किसी एक्जामपल दे देख गोटे बाक्सटा अच्छे है मन कर यही बाक्स मुझे कल या एपटू ठेली बहुत बड़ बाक्सटा अच्छे मुझे एका ठेली पार नहीं बहुत धीरे धीरे गति करें कौन है तुम्हें आसीगल मो सहित दुई जन मिसिक आम ठेली दे बाक्सटा शीघ्र शीघ्र गति होगा बुझेगा आउ जन आसला आउ जन हूँ ठेला तो बाक्सटा आई शीघ्र जीव बुझिपार तो से कौन हो पे मैंने आम मैंने जो बल आम रहा ठेलु थी गोटे दिगरे कि दिगरे कि आउ जन आसिक ठेला आउ जन आसिक दिगरे ठेला तो मैंने कौन जो तीन जन बल मिसीगला को बाक्स शीघ्र शीघ्र पड़गला बुझिपार से भाई कथा पे बाक्स को ठेलवा एका ठेल अन्य जने ठेल एका दिगरे कि ठेल बुझेगा दिग बुझिपार यही दिगरे कि ठेलुची बुझिपाल उत्तर दिग मु उत्तर दिगरे कि ठेलुची आउ जन आसा से उत्तर दिग को ही ठेला आउ जन आसला उत्तर दिग को ठेला तो बाक्सटा शीघ्र शीघ्र जीव मन कर दक्षिण दिगर कि दस जन आसगले सी दस जन कौन कर दक्षिण रू कि ठेलिबे है मुझ उत्तर को ठेलुचे से दक्षिण को ठेलिबे बुझिपार ना मानने दक्षिण रू रही उत्तर को ठेलुचे से उत्तर रही दक्षिण को ठेलिबे बुझेगा से दस जन आम तीन जन भारी पड़जे आमको ठेली ठेलिक नहीं पलि आसबे बुझेगा तो तेज पढ़िया है तो बाक्स ठेल विपरीत दिगरे जोटा कही आम एपटू ठेल विपरीत दिग्वर आसिक आउ दस जन ठेलदे तो टग अफ वार अच्छे पे जो टग अफ वार गोटे अच्छे पे दौड़ी टणा खेल से कौन कराए गोटे हूँ कौन करते दस जन टीम बना हुए है मझे गोटे दौड़ी गोटे दौड़ी था जो ये गोटे दौड़ी बड़ दौड़ी मन करा छोटा मुझे कहूँ तो या मझे कौन पे गोटे मार्क रखा हुए एपट को दस जन एपट को दस जन बस कि टाणती रखे देखा जाए जे कौन पट जो लोक अच्छा अधिका शक्तिमान अच्छा अधिका शक्तिशाली अच्छा जो एम को जो टाणी निम्चे ये जो मार्क यहाँ रहा दौड़ा जब टाणी एत बाटे नहीं गोटे मार्क थाएगी मजा मजी जो टाणी एपट सेपट नहींगल मैंने सेपट जो टाणी नहींगल से जितना बुझेगा सी हूँ टग अफ वार तो पे टोटाल तीन टा सिचुएसन जो एक्जामपल अच्छे कौन है बाक्स को ठेल एका दिगरे ठेल बाक्स को ठेल विपरीत दिग्वर ठेल और टग अफ वार ए जो तीन टा कथा अच्छे पे आम जान लें तर सारांशा देखा देख एक वस्तु सम दिगरे है जो बड़ा प्रयोग हुए गोटे बाक्स ठेली आउ जो आसिक ठेला आउ जो आसिक ठेला आउ जो आसिक ठेला मैंने कौन समस्त बड़ा कौन हुए पे जोग ही चले एड ही चले से कौन हुए पे ए प्लस बी बोली लिखी जनकर बल हो आउ जो आसला तार बल हो गला पे एका दिगरे जो रहा से दुजन बल मिसीज तो बृहत बल हो बुझेगा तो ये कौन हम पे जिते बेले विपरीत दिगरे जाए मैंने कौन ए गोटे दिगर ठेलुची बी गोटे दिगर को ठेलुची ये जो देखी एपटू ठेलुची बी एपटू ठेलुची ता मैंने कौन जार बल अधिका थी से ठेलिक नहीं जीव अन्य जन को भी से बाक्स सहित अन्य जन को भी ठेलिक नहीं जीव तो पे से कौन हुए विपरीत बल रही ए माइनस बी बल दुईर अंतर तुमर जो परिमाणी बल जो हुए रेजल्ट जोटा है कौन हुए पे गोटे बल रू अगर वियोग कले जी हम से हम
कहीं जो बड़ बड़ा अच्छे से छोट बड़ जो बड़ लोकर बल अच्छे से छोट लोकर बल दे जैक बल मिसा से बल जो रही पी मैंने से बाक्स को ठेली ठेली नहीं जीवन बुझेगा देख एपुर पढ़ाई सारी मुझे बोझ देखा बुझाप चेस्टा कर देख मन कर ये गोटे बाक्स रहा बुझेगा मुझु ठेलुची बुझेगा दादो ए बल रेपटू ठेलु सी सेपट कौन कर पाने बी बल ठेलु मन कर बीटा हूँ कौन बी इज ग्रेटर देन ए बुझेगा बीटा हूँ ए ठार बड़ तारी बाक्सटा कौन कर पाने ये दिग्विक आसब ए को भी बाक्स सहित ठेलिक नहीं जी बी कौन बल देख तो बड़ मान कौन पाने बीटा इक्वाल टू ए प्लस समथिंग ए ठार बड़ मान कौन एटा रही कि अधिका ये जो अधिका बड़ा एटा कौन कर पाने ये जो एटा ये ए सहित मिसिक बालान्स न्यूट्रालाइज हो बी रु कौन हम पाने ए जो रहा है मानते ए प्लस हम ना समथिंग ए प्लस मन कर एक्स बुझेगा ये ए आउ ये ए मिसिक कौन हम गोटे हूँ स्थिर हो कहीं ये पट जो बल देला सी से पट से बल देला दुई जन बल हूँ कौन है पाने कन्स्टांट होगा तक स्थिर होगा कि जो एक्स परिमाण जो बलटा सी कौन कर पाने वस्तुटा को धीरे धीरे गतिशील कर बुझिपारो आशा कर बुझीपार तो सही कौन है जिते बड़े एका दिगरे रहा पाने दुईटा हूँ मिसीगला विपरीत दिगरे रही माइनस हो बुझेगा आउ जिते बड़े कौन पाने ए माइनस बी इक्वल टू जीरो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो मैंने कौन पाने बीटा इक्वल टू ए हम देख यही मैंने कौन पाने इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी हवा दरकार ए रल जो बी रल सहित सामान कौन हम वस्तुटा क्यों मुव करना तो तार कौन हम पाने देख ये लिखा बस्तुटा गति करना वस्तुटा जो अच्छे तुम गति करना केत रल हूँ सामान बुझेगा तो से कथा ना मैंने आम बुझीपारे पाने तीनटा कथ गोटे कथा हूँ दुईज जदि एका दिगरे कि बल देते हूँ दुई जन बल समाहार बल जो हम सी हूँ कौन हम पाने वस्तुटा को गति कर दुईज जदि विपरीत दिगरू कि देने कौन हम पाने दुई जन बल पार्थक्य जो बुझेगा अंतर जो सहीटा कौन हम पाने गति कर आगे कथा जो दुई जन बल परिमाण सामान तो वस्तुटा गति करना बुझेगा ना नहीं बुझीपार अच्छा तो बल एक सदिश राशि पे कौन कौन ये जो एपटर बल दे जो ये ए ना सरी बी ना है यहाँ बल दे मानते वस्तुटा कौन हो पाने दिगरे कि जाऊँच तो मैंने सदिश मानते कौन पाने तार दिग अच्छी बुझेगा से गोटे दिग को जापटू ठेली एपटू पड़गला एपटू ठेली एपटू पड़गला एपटू ठेली एपटू दिग को पड़ेगा एपटू ठेली एपटू पड़ेगा तो मैंने कौन तार गोटे पर्टिकुला दिग अच्छी बुझेगा जो बल आम दौ गोटे दिगरे कि दौचे बुझा जो कि कौन है बल एक सदिश राशि मान हूँ तार दिग अच्छे से गोटे कथा मन रखते बल कह पाने दिग भी जी मेनसन कर तार परिमाण सहित तो दिग लिख जदि दिग न लिखुच है परिमाण खाली लिखुच तो सीटा भूल हो परिमाण सहित तार दिग मेनसन कर तो सदिश को कौन कहते पाने इंग्लीश भेक्टर क्वांटिटी कहते जो किसी परिमाण मैग्निट्यूड थाए सहित हूँ दिग थाए तो कौन कहते पाने भेक्टर क्वांटिटी तो सदिश राशि बुझीपाले पाने बल जो गोटे किसी परिमाण बल थाए सहित दिग थाए से कौन है सदिश राशि तो परिमाण सहित दिग मध्य आवश्यक से कथा तुम मैंने बुझीपाल पे बलर परिमाण और दिग मध्य जेकोसी गोटे बदलिले कि उभय बदलने बदलिले यार प्रभाव बदली थाए बुझीपारे मुझे कहली तर जो तुमको मुझे एग्जाम्पल देवी एम दिया तुम्हें किसी देख ना मुझे कहि गोटे कार्टा हूँ उत्तर दिग को मुह कर बुझेगा मुझे कौन कहली दक्षिण दिग्वि जाकि धक्का दे बुझीपार तो कार्टा हूँ कौन है पाने उत्तर दिग को गला मन कर देख चल या कौन है बुझीपार धर जाओ यहाँ हूँ तुम कौन है यिगरे कि कार्टा को तुम धक्का दल कार्टा ये गला कि कथा मुझे दिग न कही मुझे कार्टा मुझे छक धक्का दे कार्टा चलीगला तो कौन पटे गला तुम जो जाए पचार कार्टा छिड़ा कौ पटे गला है कार्टा छिड़ा से स्टार्ट धक्का दे चलीगला कौ पटे गला से दिग्टा मेनसन करा दरकार जो उत्तर दिग को गला कि पूर्व दिग को गला कि पश्चिम दिग को गला बुझेगा ये सब जिन तेणु कौन पाने सब बेले बलटा कौन परिमाण सहित हूँ दिग लिखा जाए जाए तो बल कौन पाने परिमाण बदलने भी बल बदली जाए दिग बदलने भी बल पर हुए किण और दिग दुईटा बदलने बल उपर कि प्रभाव आसे बुझेगा गोटे वस्तु अच्छे पाने देख जेकोस गोटे वस्तु कौन हुए एकाधिक बल सहज पकाला ये गोटे वस्तु अच्छी एपटर बल पड़ला एपटर बल पड़ला एपटर बल पड़ला एपटू पड़ला एपटू पड़ला एकाधिक बल बुझेगा तो बहुत गुड़े दिग रू कि बल पड़ी लगे गोटे वस्तु
ତୁମେ ବସ୍ତୁଟା କୋଉ ପଟେ ମୁଭ୍ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ, କୋଉ ପଟେ ଗତି କରିବ, କୋଉ ପଟେ କରିବ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତିକା, ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ପଟ ଅଧିକା ବଳ ହଉଛି ତାକୁ ମିଳୁଛି, ବୁଝିପାରୁ। ମନେକର ଇଏ ବଳ ଯେତିକ, ଇଏ ବଳ ସେତିକ, ଇଏ ଦିଟା ହଉଛି ମାଇନସ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିଲା। ଇଏ ବଳ ଯେତିକ, ଇଏ ବଳ ସେତିକ, ଦୁଇଟା ମାଇନସ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ଯେତିକ, ଇଏ ସେତିକ ମାଇନସ ହେଇଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ଯେତିକ, ଇଏ ସେତିକ ମାଇନସ ହେଇଗଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାଇନସ ହେଇଗଲେ, ସମାନ ସମାନ ହେଲେ, ଏଇଟା ହଉଛୁ ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହଉଛୁ ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ତା ମାନେ ଏ ଗତିଟା, ଏ ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଗତି କରିବ କି? କରିବ ନାହିଁ, କଣ ହବ? ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ତା ଉପରେ ଯୋଉ ପରିମାଣୀ ବଳଟା ପଡୁଛି ସେ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପରିମାଣୀ ବଳ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ବସ୍ତୁଟା କଣ ହବ? ଗତି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ମନେକର ମୁଁ ଏଇ ଦିଗରୁ ବି କଣ କଲି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଳ ଦେଇଦେଲି, କଣ ହବ? ବସ୍ତୁଟା ତାହେଲେ ଏତିକି ରୋଗ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଳଟା ମିଳିଲା ସେଥିରେ କଣ ହବ? ବସ୍ତୁଟା ଏଇ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କଥା ଭାଇ କହିଲା, ଏକାଧିକ ବଳ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡୁଥାଏ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ପରିମାଣୀ ବଳ ପ୍ରଭାବରୁ ବସ୍ତୁ ଗତି କରେ। ଯୋଉ ପରିମାଣୀ ବଳ, ଏଇ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ, ଏଇଟା ହବ, ତା ଯୋଗୁଁ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ବସ୍ତୁଟା ଗତି କରିବ। ଇଏ ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାଇନସ କରିଦେଲେ, ହେଲେ କାଟିଗଲେ ଯିଏ ଯାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡିଲା ନା, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଗତି କରିବ। ମନେକର ଏପଟରୁ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଳ ମିଶିଗଲା, ୟା ଠାରୁ ବଡ ବଳଟା, କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଇଏ ରହିଲା, ପୁଣି ସେ ତାର ଅଲଗା ଦିଗରେ କିଏ ଗତି କରିବ ସିଏ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏହାକୁ କାଟିକି ଇଏ ଗତି କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକାଧିକ ବଳ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡେ, କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ପରିମାଣୀ ବଳ ପ୍ରଭାବରୁ କି ବସ୍ତୁଟା ହଉଛି ଗତି କରେ, ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଥା, ସେ କଥା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ମାଇନସ ବି କ୍ୱାଲ ଜିରୋ ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସମ ପରିମାଣର ବଳ ଗୁଡିକର ପରିଣାମୀ ବଳ ଶୂନ ହୁଏ, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଏ ଓ ବି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର କି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କି ହେଇଥିବ, ଓ ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଇଥିବ, ବୁଝିଲ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଛି, ଏ ଏପଟରୁ ହେଇଛି, ବି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ହେଇଗଲେ କଣ ହବ? ବସ୍ତୁର ହଉଛି ଗତି ହବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ବା ପରିଣାମୀ ବଳ ତାର ହଉଛି ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ପରିଣାମୀ ବଳ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ଜିରୋ ହେଇଯିବ ପରିଣାମୀ ବଳ, ଯୋଉ ପାଇଁ ସେ ଯିବନି। ମନେକର ତୁମର ବି ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ମାନେ କଣ? ଏଇଠି ଯଦି ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ପରିଣାମୀ ବଳଟା ତୁମର ହଉଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟା କି ହଉଛୁ ଏ ଦିଗରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ବିଟା ଠେଲିକି ଆଡକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବଳ ଯୋଉ ଅଛି ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆଣୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଜାଣିବା ବଳ ଗତିର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆଣୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏ ଫୋର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆମକୁ କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ, କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ବହି ହିସାବରେ କିଛି ବା ହେଲେ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ କଣ ଜାଣିବା ଯେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର କି ଗତିର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯାହାକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍, ବୁଝିଲା। ଯେମିତି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା, ତାକୁ ସେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିବା, ମୋସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, କିମ୍ବା ତାର ଦିଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କିମ୍ବା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ତାର ଗତି ଓ ଦିଗ ଉଭୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍, ବୁଝିଲା। ତାର ହଉଛି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଗତିର ଅବସ୍ଥା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍, ବୁଝିଲା। ତ ସେ କଥା ଦେଖିବା, ଦେଖ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଦେଖିବା କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ମନେକର ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଚିକଣ ଚଟାଣଟା ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଗୋଟେ ଚଟାଣ ଉପରେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ରବର ବଲ୍ ରଖିବ, ବଲ୍ ରଖିକି କଣ କରିବ ତୁମେ ତାକୁ ଧୀରେ କି ଧକ୍କା ଦେଲ, ସେ କଣ ହବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେବ, ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଧକ୍କା ଦେବ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଯିବ, କଣ ହବ? ସଡନଲି ଯେମିତି ଯାଇକି ବଲ୍ଟା ଗତି କରୁଛି, ତୁମେ କଣ କଲ? ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଦେଖିଲ, ଉଠି ଆଣିବ, ହେଲା, ହାତରେ ବାଜିଲା, ଉଠି ଆଣିଲ ହାତ, କଣ ହବ ତା ଗତିଟା? କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଧୀରେ କି କମିଯିବ ଟିକେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିବ। ମନେକର ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଧରି ପକେଇବ, କଣ ହବ? ଗତି ନାହିଁ, ଧରି ପକେଇଲେ ମାନେ ରହିଗଲା ନା ବଳଟା। ସେଇ କଥା ଦେଖ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ସେଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ, ସାରାଂଶ କଣ ତାର, ବୁଝିଲା। ଦେଖ, ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବସ୍ତୁଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାପୁଲିରେ କି ଧକ୍କା ନ ଦେଇଥିଲି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥିର ଥିଲା, ବୁଝିଲା। ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା, ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କଣ ହୁଏ? ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିଲେ ତାହାର ବେଗ କମିଯାଏ ଓ ଗତି ଦିଗର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ସିଏ କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ବସ୍ତୁଟା ହଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲି, ସେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୁଁ ଏପଟୁ ଯାଇକି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହାତ ଉଠି ଆଣିଲି, ସେଇଠି କଣ ହେଲା? ଯୋଉ ବାଜିଲା, ଆଇଦର ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ଏପଟେ ବାଜିଲା ଏପଟେ ପଳେଇ ଯାଇପାରେ, ଆଉ କଣ ହବ? ତାର ଗତି ତ ଏତେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ଯେତେ ବେଗରେ ଆସୁଥିଲା ସେତେ ବେଗ ରହିବ ନାହିଁ, ବେଗ କମିଯିବ, ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ନହେଇ ବି ପାରେ, ରଖିଲେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ବାହାର କରିବ, ତ ହୁଏତ ସେଇ ଦିଗରେ ବି ଆସିପାରେ।
बुझल से कौन लिखले पे गतिशील वस्तु आगे प्रतबंधक रखिले बेग कमी था यार बेग कमी था वो गतिर दिग बदली पारे पे गतिशील वस्तु को धरी पकड़े कौन पे तार शून्य तार बेग ना से रही थी बुझल बेग शून्य जाए पे गोटे एक्जामपल सर नेक्स्ट एक्जामपल देखा फुटबल खेल कथा तुम जानते पे फुटबल जो परिचालक था जो रेफरी था से कौन कर किसी गोटे त्रुटि कई खेल जो अच्छा दुई पटर के प्लेयर था गोटे सैड प्लेयर कौन पे किसी त्रुटि किसी भूल होगा सी कौन कर पेनाल्टी किक मारे कहला तो से दल कौन कर पे पेनाल्टी किक मार से जल कौन कल पेनाल्टी किक मार बल टा कौन पे स्थिर अवस्था अच्छे से पेनाल्टी किक मारा मारवा द्वारा कौन है बल टा गति करवा आरंभ है ये जो अच्छे पे गोल कीपर हला गोल रक्षक जो अच्छी सी कौन कर पे बल टा को धरने चेस्टा कर दिग परिवर्तन कर बचे बुझा गोल को जीवा दबानी से कौन करके आगर के डाय मारे कौन कर अटक चेस्टा कर बुझिपार से कौन द्वारा कौन तार बेग हो कमी जी कि तार दिगर परिवर्तन हम जदि से धरी पकड़े कौन पे तार बेग शून्य से कथा लिखा है सारांश देख गोल रक्षक बल को रक्षा कले तो बल कौन पे मारा ये हेला तो बल मार दबा जो कौन बल टा हो गति आरंभ कला कि देखा गोल रक्षक कौन हो सी गोल रक्षक जो कौन पे बल प्रयोग करने द्वारा कौन है गति बेग कम दिग पर हो बुझा बेग भी कम दिग भी परिवर्तन हम तापर बल धरी पकड़े हूँ बेग शून्य हो कथा तो पे सिद्धांत कौन शिखिले देख सिंपल कथा वस्तु पर बल प्रयोग द्वारा यार बेग और गतिर दिग पर होता है जेकोसी वस्तु गोटे अच्छी कौन कर पे बल प्रयोग करने द्वारा तार कौन हुए गति है तार जो गति अच्छी से कौन हुए पे तार बेग और तार गतिर दिग ए दुईटा पर संभावना था बुझीपार ना ना यही कथा मन रखे पे वस्तु पर बल प्रयोग द्वारा यार बेग व गतिर दिग पर होता है पे प्रयुक्त बल देख देख गोटे नर्माल कथ अच्छे गोटे वस्तुटा अच्छी बुझेगा ये वस्तुटा कौन पे अच्छे से कौन अच्छे आम मारीदे धर जो से वस्तुटा चली गोटे वस्तु मुझे धक्का दे कौन कह पे चली बल्टा ये जाऊ ना हाथ मन कर बल्टा मुझे कहते बल्टा मारि से कौन कह जाऊँच मुझे कहीं पुणी ये धक्का देवी कौन कहता बेग बढ़ ना बढ़ी बढ़ बेग बढ़ बुझेगा कहीं वस्तु दिगर की मुझे ये जाऊला से दिगर की मुझे मारि जदि मुझे अपोजिट सैड रु मारी था कौन था कौन था तार दिग पर होता आर बेग कमी था बुझेगा तो कौन है पेपट वस्तुटा जाऊँच आम विपरीत दिग्वर जो प्रयुक्त बल दे कौन बेग कम बुझीपाल ना नहीं बुझीपार तो सही कथा लिखा है पे प्रयुक्त बल कौन होते गोटे वस्तु जो दिगरे जाऊँच से ही दिगरे दौचे कौन हो पे बेग तार बढ़ुची जितेबाला हूँ वस्तु जो दिगरे जाऊँ तर विपरीत दिगरे प्रयुक्त बल दौचे कौन हम तार बेगटा कम पे सहित किसी एक्जामपल दे तुम बहुत देख काच गोली वो स्केल नहीं से कहला गोटे टेबुल किसी काच गोली रखे मुव कर स्केल तो आगे रखे से कौन बाजि स्केल नहीं कि मुड़ी अलग दिगरे की अलग दिगरे की तार गति स्लो पुणी दिग पर करें देखे गोटे उदाहरण भलीबल तुम मैंने जान है जो मारती जो स्मार्शर जो था जम्प करके मारती जोर से जोर से मारे जो कौन भी बहुत बेगर के आसे तौल को आसे तो उठे पारे कहीं से बल तार भी आसे बुझा से कथा क्रिकेट बल भी तुम मैंने जान लो जमी फिंगे कथा कहली बल दे क्रिकेट हूँ से बैट्समैन हूँ मारा अलग दिगर पर कला क्या बल दे सी कौन तर दिग पर कला स्पीड बढ़ेगा बुझेगा तो सही कथा रहा स्पीड कमी भी पारे जो बल आसूची से दिगरे कि मारा सी एमती थर तो देखो बैट्समैन मैंने एमती धरिकी ऊपर को मार दिखती कौन हुए से ही बल आसाला तारी स्पीड रखी पलू से पक्ष को छो जाए बुझेगा तो सही कथा कौन से सामान दिगरे आसा ये कथा है बेग बढ़ीगला कि विपरीत दिग्वर दी हुए दिग पर अलग दिग्वे निजाद सैकेल ब्रेक मारे कथा पे रास्तार तुम मैंने जाऊ गोटे हटात बांक आसा ब्रेक मार दौ से बल प्रयोग कर फल कौन गाड़ी सैकेल तुम स्लो हो जाए अधिक परिवर्तन करने तुमको भी बल प्रयोग करने पड़ी तो से कथा तो ये आम कौन जानले पे कथा बुझीपारे एक्जामपल आई सारांश तक बुझीपाले एम जान पाचे स्टेट अफ मोशन जो कहती है गति अवस्था कौन बुझेगा तो देख अभी कौन कहते गतिर अवस्था क्या कहते तो ये कौन देखा पे जो वस्तु रही कौन कही तुमको गति अवस्था
से गति अवस्था विषय देखा तो तुमको रफली कही कौन जो गोटे वस्तु अच्छी है ना वस्तुर दिगर परिवर्तन हो कि तार गतिर जो गति बेग बेगर परिवर्तन हो कि उभय बेग व दिगर परिवर्तन हो सेटा कौन कहते गोटे वस्तु रोच गतिर अवस्था बुझाला तो से कथा देखा कौन अच्छी एक्चुअली गतिशील वस्तुर गोटे वस्तु गति करुचा तार गतिशील वस्तुर कि कौन है पे बेगर किंबा यार दिगरे बुझाला जो गति करुचे बेगर की जो गति करेगरे हूँ कि तार दिगरे जो ये दिग चलना ये दिग को पलि आसला तो दिगर परिवर्तन तो दिगर परिवर्तन हो कि एम स्पीड आसला धीरे गला जो बेगर परिवर्तन हो बुझाला तो बेगर परिवर्तन कि तार दिगर परिवर्तन कि उभय बेग व दिगर परिवर्तन बुझिपाल ना नहीं उभय यार गतिर दिग व बेगर परिवर्तन घटले यहाँ वस्तुर गति अवस्था कि परिवर्तन बोली कहुए बुझेगा गति अवस्था के परिवर्तन क्या कहला पे गोटे गतिशील वस्तुर गतिर बेगर है बेगर परिवर्तन किंबा दिगर परिवर्तन किंबा उभय दिग व बेगर परिवर्तन घटिले कौन कहते पे गोटे वस्तुर कि गति अवस्था बोली कहुए गोटे वस्तुटा कौन है पे स्थिर अवस्था अच्छी बुझे कौन गति करूना गति करना तो कौन कह पे कौ अवस्था स्टेट अफ मोशन कौन गति अवस्था कौन स्थिर अवस्था कहुए स्थिर अवस्था अच्छी गतिशील अवस्था अच्छी है गतिशील अवस्था स्थिर अवस्था तो ये दुटा जिन मेनली थाए गतिशील अवस्था थे कौन वस्तु कि स्थिर अवस्था थाए आखिचे तो गति कर स्थिर न एभलिया किसी वस्तु अच्छी संसार में कही पार जदि किसी उदाहरण तुम मन आस कमेंट सेक्शन में मतलब कहीदेव मुझे भावी विषय टीके बुझेगा तो कौन लगे मैंने बल द्वारा ही वस्तुर गति अवस्था परिवर्तन हुए जेको गोटे वस्तु अच्छी तार गति अवस्था तार बेग हो कि दिग हो जेको दुईटा जो जिन चेंज करा कौन दरकार पे मैंने बल दरकार धर ये गोटे बलटा जाऊना तो आमको तार बेगटा बढ़ेगा कहले कि बल दरकार कमिबा कहले कि बल दरकार दिग परिवर्तन करा कहले आमको बल दरकार बुझेपाल पे तो गति अवस्था पे स्टेट अफ मोशन तो कौन कौन पारे बुझेगा तो बेग व दिग यही दुईटा जिन द्वारा आम कौन कर मेनली जो वस्तुर गति अवस्था को सूचित कर बुझा गोटे वस्तुर जो गति अवस्था था कौन बेग व दिग द्वारा आम सूचित कर पाने जो तार बेग शून्य होगा गोटे वस्तुटा कौन गति करूना बेग जाऊला रहीगला शून्य होगा मैंने कौन यार बेग कौन शून्य से कौन अच्छे स्थिर अवस्था अच्छी जो कथा मैं आगे तुमको कही बुझेगा तो स्थिर अवस्था रहा वस्तु स्थिर अवस्था रही कौन कहते पे स्थिर अवस्था रही स्थिर अवस्था कहते गतिशील अवस्था रही गतिशील अवस्था कहते मैंने से दुईटा जो कथा है स्थिर अवस्था हो कि गतिशील अवस्था हो यही दुईटा ही गोटे वस्तु रही गति अवस्था बुझेगा गोटे वस्तु आई तो स्थिर अवस्था रही पारे कि कौन पे मैंने गतिशील अवस्था रही पारे ए दुईटा को छाड़ी अगर कौन अवस्था से रही पारे स्थिर अवस्था ही पारे कि गतिशील अवस्था रही पारे तो मेनली गोटे वस्तु रखी जेको समय गोटे वस्तु रखी स्थिर अवस्था कि गतिशील अवस्था यही दुईटा को कौन कहते पे मैंने तार गतिर कि अवस्था स्टेट अफ मोशन तेज यही बुझे गोटे वस्तु जेको गोटे पर्टिकुलर टाइम कि आईदर स्थिर अवस्था रही पारे कि गतिशील अवस्था रही पारे बुझेगा तो पे स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था ये दुटा कौन लगे गति अवस्था जो तुमको कहल स्टेट अफ मोशन तो सब क्षेत्र में तुम्हें भावु जो बल प्रयोग कर सब क्षेत्र में कि गोटे वस्तु माने जो तार स्टेट अफ मोशन तार जो गतिर अवस्था चेंज कर बल प्रयोग करे है ना कांथटा को तार अवस्था चेंज कर पारि ना तार दिग परिवर्तन कर पारि ना तार गति परिवर्तन कर पारि किसी कर पारि कर पारि तो सही पाई कौन हुए पे कहीं से तार वस्तु तो जो घर को मुझे धक्का दौर तार वस्तु तो बहुत अधिका तार स्टेबिलिटी बहुत अधिका हम बुझेगा तो से कौन हुए ताको मुझे धक्का देखिए घुंची पारि तो से कौन हुए सब क्षेत्र में बल प्रयोग द्वारा वस्तुर गति अवस्था परिवर्तन करहब ना बुझिपाल पे कौन सब क्षेत्र में बल प्रयोग करा कथा देखो आउ थ भाव भावना चेस्टा कर मुझे कौन कहना चाहिए सब क्षेत्र में बल प्रयोग करने द्वारा वस्तुर गति अवस्था परिवर्तन करहब ना बुझिपाल कहीं जो आम बल दौचे सी बलटा भी से दरकार गोटे वस्तुर जो वस्तु तो अच्छे गोटे जगार अगर जगह को आम घुंचे पार्ला भाया बुझेगा ये जगह हनुमान को नहीं आसत सी तो कौन पर्वत पर्वत टेकिंग नहीं आनी बुझेगा तो कौन तार हूँ बल अधिका बुझा तेना से कौन कहला पर्वत पर्वत को कौन कहते पे अचल तथा हनुमान कौन करते पर्वत टेकिकी नहीं आसते संजीवनी भाई कौन से भूली बुला गली से विषय है तो कौन करते सी हनुमान टेकिक नहीं आसते बुझिपार्च तो सही कथा हूँ कहीं आसते पाखे बल से आम कहीं गोटे कांथ को धक्का दे पारे आम पाखे बल ना बुझे से कौन सब क्षेत्र में बल प्रयोग करने द्वारा वस्तुर गति अवस्था परिवर्तन करहब ना पिले पाल तो वस्तु तो उपर निर्भर कै
ଓ ତାର ହଉଛି ବଳର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ କହିଲି, ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ପର୍ବତ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଲା ସେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ପର୍ବତର ବସ୍ତୁତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା, ତା ଅପେକ୍ଷା ହଉଛି ହନୁମାନର ବଳ କେତେ ସେଟା ବି ନିର୍ଭର କଲା। ହନୁମାନର ବଳ ଅଧିକା ଥିଲା, ସେ ପର୍ବତର ବସ୍ତୁତକୁ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଲା, ବୁଝିଲ, ସେଇଠି ତୁମକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ଟେକି ପାରିଥାନ୍ତ, ଟେକି ପାରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି, କାରଣ ତୁମ ବଳ ହିସାବରେ କି ଯୋଉ ପର୍ବତର ବସ୍ତୁତ୍ୱଟା ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁମେ ତାକୁ ଟେକି ପାରିନଥାନ୍ତ। ସେଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ୟାର ସାରାଂଶଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଯେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର କି ଗତି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆଗେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜି କ୍ଲାସ ଟା ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆଗେ କଣ କରିବା, ବଳ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଫୋର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ହଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଆଉ ମୋର ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିପାରିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ହୁଏତ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବି, ହେଲା, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ବାଏ।